नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रही हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ 7 नंबर स्कीम, यानी कि 7 नंबर स्कीम में आज हम आपको सरजी से मिलवाते हैं, जो बताएंगे अंधविश्वास क्या चीज है, जो लोग जो है अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। जो कि देखो, स्कूलों में भी बच्चे अंधविश्वास हो रहे हैं, बाहर लोगों को देखो तो अंधविश्वास हो रहे हैं। आइए सर से आज मुलाकात करते हैं और इसके विषय में पूछते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरलोचन सिंह है जी। सर, आपकी जो सोसाइटी है उसका क्या नाम चल रहा है? तर्कशील सोसाइटी पंजाब रजिस्टर, असली गुरदासपुर इकाई चला रहे हैं। सर, आपने बात बहुत अच्छी बोली है कि जो बच्चे हैं अंधविश्वास हो रहे हैं, बच्चे तो छोड़ो बड़े भी जो है अंधविश्वास ही चल रहे हैं। जैसे कि एक मुद्दा है, कहते थे कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को कपड़े नहीं धोने, आज शनिवार है, बाल नहीं काटने हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं अक्सर से यही कहने होंगे ना, एक जेडे अंधविश्वास जिन्होंने कहने ना, किसी वक्त देना जरूरी सी, ते हुण ए जेडे हन ओ रिवाज बन गए, रिवाज तो बाद फिर अंधविश्वास बन गया। हुण जिस तरह एक इत्थे इक जंगल आ, मैं सारे रहिंदा हां, उत्थों इक वहम सीगा कि इत्थों कोई टहनी नहीं तोड़ेगा, जिहड़ा कोई टहनी तोड़ेगा उहदी मौत हो जांदी है जां उहदा अंग टुट जांदा। ते ओह उस वक्त अहीं जाके उत्थे उस जंगल में जाके उहदी टहनियां तोड़ के दस्सिया वी उहदे च कारण की सीगा पिछे। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਝੱਪਕੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਹਿਮ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੋੜੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਸੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ, जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों के नाम सुने होंगे, रघुनाथ है जम्मू का, वहाँ पे क्या होता है कि लोग पब्लिक जो है सारे मंदिर को मतलब मथा टेकने जा रही होती है। वहाँ पे पंडित जो लोग हैं वो बोलते हैं कि पैसे चढ़ाओ फिर आगे चलो। हमने कई बार ये भी देखा कि सरदारों के गुरुद्वारे में भी जाते हैं, सर वहाँ पे तो कोई पैसा नहीं मांगते, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो है ना, जो मथा टेकने वाली गल जिहड़ी हैगी है, ये तो असीं इहनूं ठीक नहीं समझदे। मत्था टेकण दा मतलब एक्चुअली ये हुंदा हैगा कि मैं तुहाडे कोल आया, मैं अपनी अकल छड्डी ते तुहाडी अकल लै ली, मत्था टेकण दा ये मतलब है। जे तुसीं मन विच कोड़ लै के जांदे हो ते उत्थे तक ते मत्था टेक टेक दे, तां उहदा कोई मतलब बनदा नहीं है, ये गलत है। इस मैं अक्सर ज्यादा उह लोक वेखिया जिहड़े लोक पाप करदे ने, जुर्म करदे ने, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮਸਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਚੜਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰੋਂ ਮੇਂ ਕਭੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨੋਂ ਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਤੇ, हमारे लोगों में हिंदुओं में श्राद्ध मनाते हैं। पंडित लोग वहम डाल देते हैं कि ये श्राद्ध नहीं किए जाएंगे तो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। क्या और भी जो हैं यानी कि भाषाओं के लोग हैं, जैसे कि सरदार हैं, क्रिश्चियन हैं, बाहर के लोग रहते हैं, उनको क्यों नहीं वहम डाला जाता? देखो, ये असी ना श्राद्धा का मतलब गलत कट गया। श्राद्धा का मतलब है जिन्होंने श्राद्ध कहते हैं, जो पुराने बुजुर्ग हो गए उन्होंने जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਂ ਸਰਾਧ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਾਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਡਿਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੇਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਈ ਆਮ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਖਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ,
तो लोगों ने कहना जी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इस गुरुजी की फोटो लगाओ, जाप करो। कई लोग ऐसे घरों में देखे कि फोटो तक नहीं लगाती, इसके बारे में आप बताइएगा। साढ़े घर आयो घूम के देख लो, घर कोई फोटो नहीं लगी। असल फोटो जी है ना, जो फोटो या पूजा का सिस्टम ये व्यापार न पैसों का जुड़िया है। किसी तरीके दे नाल असी इत्थे रखांगे, फोटो लावांगे, उन्हें कोई चढ़ावा चढ़ेगा, शरदा होगी पैसे आएगी, गल इन्नी की है। होर फोटो में कुछ नहीं हैगा, जो हैगा जो साडे बजुर्गों ने साडे गुरुआं ने जां साडे रहनुमावां ने जो सानू सिक्ख्या दित्ती है, उस सिक्ख्या उत्ते चलण दी लोड़ है। उही असल विच असी साडी श्रद्धा है ते उही असल विच मत्था टेकणा वा। होर इस तों अलावा होर कुछ सर आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? असीं ते पब्लिक नूं इह कहना चाहांगे कि तुसीं अंधविश्वासां नूं बाहर निकलो। जे साडी पीढ़ी एक तो निकल गई, वो जो नहीं समझते घट्टो घट्ट साडे आने वाले जिहड़े बच्चे आ घट्टो घट्ट उन्हां नूं तां असीं सुधार लईए, उन्हां नूं तां असीं अपने चंगे रस्ते पाइए। असीं तो कई बार यह गल कही है कि बच्चों नूं जिहड़ा पढ़ाई दे नाल नाल अंधविश्वासां संबंधी जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो असीं सरकार नूं भी अपील करते हैं, प्रशासन नूं भी अपील करते हैं कि स्कूलों कॉलेजों के एक पीरियड इन्हां वास्ते जरूर लाया जाए अंधविश्वासां के विरुद्ध, तो वैज्ञानिक सोच नूं अपनाने वास्ते, तां कि मनुखता का भला हो सके। जैसे कि सर जी ने बोला कि अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में लगाना चाहिए, मुझे इनकी मूर्तियां, जैसे कि मैंने अभी सर जी से ये सवाल पूछा तो सर जी ने मेरे से पूछा कि मैडम क्या आप आए हैं हमारे घर, कोई फोटो या मूर्ति दिखी आपको? ये अंधविश्वास ही है, जिसके मन में हो अगर भगवान की हो इच्छा तो अंदर ही मानी जाती है। सरात के बारे में पूछा तो सर कहते सरात तो 12 महीने ही चलते हैं, मानो तो ठीक है, ये पंडितों ने तो अपना खाने पीने का बनाया हुआ है। बहुत अच्छी सर जी ने आज हमारे को शिक्षा भी दिया, हम भी बहुत कुछ सीखे गए हैं। फास्ट न्यूज इंडिया अजय महाजन।